ग्राम दुनिया बागची में आस्टा के यहाँ पर तेंदुआ घुस गया था, तो वहीं गांव में अफरा तफरी का माहौल भी हो गया था। गांव वालों ने हालांकि तेंदुए को घेर लिया और उसके बाद में उसे घायल भी कर दिया है। अगर देखा जाए तो उसको बेहोश समझकर एक पत्रकार अमित मकोड़ी कवरेज करने थोड़े से पास पहुंच गए। जैसे ही उसकी मूर्छा टूटी तो पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया, वहीं झपट्टा मारा और वह भाग गया। दुनिया बागचा के जंगल में तेंदुए का दिखा गया और उसको कवरेज के लिए आप गए थे, तो क्या है मामला पूरा? हम लोग कवरेज के लिए गए हुए थे, संजय जोशी जी भी हमारे साथ में थे और उस वक्त पूरे वन विभाग की टीम और पुलिस का हमला भी साथ में था। इस बीच ये हुआ था कि काफी देर तक तेंदुआ दिखाई नहीं दिया था, तो जैसे ही दिखा तो ग्रामीणों ने उसके पीछे हमला कर दिया। तेंदुआ काफी देर तक बेहोश पड़ा रहा, फिर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, इस बीच में अचानक तेंदुआ उठा और उसने हमला कर दिया, जिससे मुझे सिर में और हाथ में चोट आई। कितनी बजे किस्सा ये लगभग आधे घंटे पहले का किस्सा। तेंदुआ पकड़ना है? तेंदुआ भी पकड़ में नहीं आया जी। वन विभाग की टीम और कौन कौन वहाँ पहुंचे थे? रेंजर पहुंच चुके थे, एसडीओ राजेश शर्मा साहब पहुंच चुके थे, लेकिन भोपाल की टीम अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंच पाई थी। जैसे अमित जी ये बताइए आप, वन विभाग की टीम और ये सब पहुंची थी, क्या वन विभाग की टीम के पास इतने संसाधन थे कि वह तेंदुए को पकड़ सके? नहीं, वन विभाग की टीम के पास कोई संसाधन नहीं थे, वो साधारण रूप से ही तैयारी कर रहे थे उसे पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था, उसे भगाना ही था वहाँ से, और भगाने की कोशिश के दौरान ही हमला हुआ और अभी भी वो छुपा हुआ है, अभी मिला नहीं है तेंदुआ।